आरक्षण की गंभीर एवं असंवैधानिक विसंगतियों को दूर कर समाधान करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैबिनेट की बैठक एवं विधानसभा में 76% आरक्षण का प्रावधान प्रदेश में लागू करने का निर्णय पारित किया है, जो कि अत्यंत गंभीर एवं असंवैधानिक विसंगति पूर्ण होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग कर अनारक्षित सामान्य वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण इस निर्णय का विरोध जताया। देश व प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समस्त धर्म जाति व समाज का उत्थान आवश्यक है, परंतु किसी वर्ग विशेष को अपमानजनक तरीके से पीछे करने का प्रयास देश प्रदेश समाज के हित में अनुचित व असंवैधानिक है। इसलिए आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर 50% तक ही लागू किया जाए। इस संबंध में न्यूज टीम को समाज के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 76% आरक्षण के खिलाफ है, क्योंकि हम लोग भी सवर्ण हैं, तीन तीन पीढ़ी से हम लोग भी इस आरक्षण की मार को झेल रहे हैं, और हर समय ऐसा होता है कि सरकार आरक्षण बढ़ाती है और हम लोग संघर्ष करते हैं। तो क्यों देश के युवाओं को और राज्य के युवाओं को संघर्ष में सरकार झोंक रही है? हमको 50% तक की आरक्षण में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आप लिमिट क्रॉस मत कीजिए और लोगों में गुस्सा मत भरिए। आप हम सरकार से यही मांग करते हैं कि 50% के लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, और हम सामान्य वर्ग का भी ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। आरक्षण हो, अब तीन तीन पीढ़ी से जो आगे नहीं बढ़ सका है, क्या पता वो 100 साल भी आरक्षण लागू हो, तो आप जाति के आधार पे क्यों बांट रहे हैं? आप जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिमिट क्रॉस करने के लिए मना किया है, 58% को हम जीत चुके हैं, 82% को जीत चुके हैं, पता है कि हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर बैन लगेगा, इसमें स्टे लगाएंगे, तो आप 50% के लिमिट को क्रॉस नहीं कीजिए। क्योंकि केंद्र सरकार ने गरीबी के आधार पर समान वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का अतिरिक्त व्यवस्था की, अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था उससे अलग अतिरिक्त व्यवस्था दी, जिसको चुनौती दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार किया, ये उचित है, गरीब वर्ग को इसका अवसर मिलना चाहिए। वो सवर्ण वर्ग के इसलिए उसको अवसर नहीं दोगे, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको स्वीकृति दे दी, तब हमारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका पालन करें। लेकिन राज्य सरकार ने वोट की लालच में या स्वर्ण वर्ष द्वेष के चक्कर में हमारे 10% जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य है, उस आरक्षण को कम करके 4% कर दिया। एक और 4% कर रहे हो, एक और बढ़ा रहे हो, मतलब दोनों ओर उल्टा चल रहे हो। हम इसके खिलाफ आए हुए हैं, राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप देखिए, एक बार केंद्र सरकार ने आग्रह किया देश से, जो सक्षम लोग हैं वो लोग गैस की सब्सिडी छोड़ दें, लाखों लोगों ने छोड़ा। अब इस सरकार को अगर ज़्यादा लोगों का आरक्षण देना है तो ये कहना चाहिए, जो क्रिमिनल एयर बन गया है, नेताम परिवार को, कर्मा परिवार को क्या जरूरत है आरक्षण की? वो अपने समाज के हित के लिए अपना आरक्षण छोड़ें। दो दो पीढ़ी से IAS IPS बन गए हैं, नौकरी में हैं, गांव के जमींदार हैं, लेकिन वो अनुसूचित जाति या जनजाति के नाम पर आरक्षण ले रहे हैं। ऐसे लोगों से अपील की जाए, अन्यथा कानून बनाकर ये सक्षम हो गए हैं, इनको आरक्षण व्यवस्था से अलग किया जाए, तब गरीब वर्गों को गरीब के नाम पर आरक्षण तो वास्तव में ही होना चाहिए कि गरीब और सक्षम, जो गरीब है कमजोरों को आरक्षण दिया जाए। हम राज्य सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं, आज टेलीविजन के माध्यम से ज्ञापन इसी दे रहे हैं कि जो सवर्ण वर्ग का आरक्षण का अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसमें कमी न किया जाए, और अनावश्यक आरक्षण बढ़ा करके जो समाज में विभेद पैदा किया जा रहा है, विषमता पैदा की जा रही है, इसको समाप्त किया जाए। इसके लिए सरकार ने जो 76% आरक्षण बढ़ाया है, इसके विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज अपना ज्ञापन दे रहा है, क्योंकि आरक्षण का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इससे स्वर्ण जाति के लोगों के बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। 76% आरक्षण कर दिया गया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण किया था, लेकिन ब्राह्मण समाज उनका सम्मान करते हुए इस आरक्षण को आगे लागू होने दिया। इन निरंतर अब
आरक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं, आरक्षण को लागू करने के लिए एक ही परिवार को आरक्षण, एक परिवार को एक बार देना चाहिए, एक व्यक्ति को बार बार, एक ही व्यक्ति को, एक ही घर वालों को बार बार आरक्षण दिया जाए, जिससे जो नीचे जाति के लोग हैं, हरिजन आदिवासी हमारे भाई, वो भी आज इससे दूर है, जो गरीब है, क्या चाहते जो इंटेलिजेंट है, वो भी इनसे दूर है। अभी क्या चाहते हो? हमारा कहना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना चाहिए। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।